दोस्तों वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में R8 कैमरा के साथ 50mm लेंस यूज़ करके हर टाइप का वीडियो रिकॉर्ड किया, फोटोग्राफी किया। जो लोग अभी नया कैमरा लेना चाहते हो या R8 कैमरा लेना चाहते हो तो उनके लिए वीडियो है। वीडियो यहाँ पर 50fps पे लिया, RF 50mm का लेंस यूज़ किया, 2.2 एपर्चर में ये वीडियो लिया। 50fps पे रिकॉर्ड करके भी आप लोग इसको स्लो मोशन कर सकते हैं। R8 कैमरा में आप लोग 60fps 180fps में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए NTSC मोड पे रिकॉर्ड करना है। मैंने पल ऑप्शन में रिकॉर्ड किया, 50fps पे स्लो मोशन भी किया। ये वीडियो 150fps पे कैमरा से डायरेक्ट रिकॉर्ड हुआ है। जब आप लोग गिम्बल से वीडियो रिकॉर्ड करोगे तब डिजिटल IS को ऑफ कर देना, इसमें वीडियो क्वालिटी अच्छा आता है। मैंने थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग किया, अगर अच्छे से कलर ग्रेडिंग करना है तो आप लोग लॉक पे शूट कर लीजिए। ये वीडियो 150fps में 50mm लेंस से 2.2 एपर्चर में लिया, एक्सटर्नल लाइट्स यूज़ नहीं किया। आप लोग कमेंट करना कैसा वीडियो आ रहा है। कैनन R8 से 4K रिकॉर्डिंग किया, देखो कैसा आ रहा है। 4K 50fps पे शूट किया 50mm लेंस के साथ। 15-20 मिनट 4K रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ा हीटिंग इशू आता है। 30 मिनट टू 40 मिनट एक चार्ज में 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इस कैमरा से। जो लोग विदाउट गिम्बल इस कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो डिजिटल IS ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। और जो लेंस यूज़ करना है, जो लेंस पे IS है, इमेज स्टेबलाइजेशन है, वही लेंस यूज़ करना है। 35mm लेंस, 85mm लेंस यूज़ कर सकते हो, उसमें इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है। इस कैमरा में वीडियो कैसा आ रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट करें। मेरा रिकमेंडेशन है आप लोग ज़रूर एक 35mm लेंस ले। अभी जो वीडियो चल रहा है ये 35mm से लिया। 35mm से इंडोर आउटडोर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हो, वेडिंग भी कवर कर सकते हो। अगर हो सके तो 85mm भी ले सकते हो। 50mm के साथ कुछ फोटोग्राफी भी किया, देखो कैसा आ रहा है। यार कमेंट भी करो फोटोग्राफी कैसा आ रहा है। ISO 100 एपर्चर 2 रख के ये पिक्चर क्लिक किया। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।